आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ एक जैसे सबूत कैसे, मनी ट्रेल चार्ट भी वही, सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। राहुल गांधी फिर से 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी को नहीं हरा सकते, वहां भारी मतों से जीतेंगे, असम के सीएम ने कहा। रातों रात सीबीआई प्रमुख को छुट्टी पर भेजा, जांच एजेंसी का दफ्तर सील किया, विपक्ष बोला राफेल जांच से डरी सरकार। मतदान के दिन मेट्रो की तरफ से लोगों के लिए बड़ा तोहफा, किराए में मिलेगी 10% की छूट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों के लिए 1717 उम्मीदवार मैदान में। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को सेबी का नोटिस, ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब। पीएम मोदी बोले शहजादे को वायनाड से हार का डर, कहा अमेठी से भाग कर रायबरेली पहुंचे, मैं इन्हें कहूंगा डरो मत भागो मत। असम सीएम बोले राहुल गांधी पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय, वहां चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। बंगाल गवर्नर आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत, महिला ने कहा मेरे साथ छेड़खानी हुई, आनंद बोस बोले मुझे बदनाम करने की साजिश है। प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और बढ़ी, अपहरण के नए मामले हुए दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस किया जारी, गिरफ्तारियों का डेटा मांगा, कहा लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया, सोनिया प्रियंका मौजूद रही, प्रियंका बोली हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी मिली। अमित शाह फेक वीडियो केस में जवाब देने एक भी नहीं आया, दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 22 लोगों को बुलाया था, तेलंगाना सीएम को दोबारा भेजेंगे नोटिस। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप बटेगा, आदि नादिर गोदरेज को इंडस्ट्रीज की लिस्टेड कंपनियां मिलेगी, चचेरे भाई जमशेद के हिस्से नॉन लिस्टेड कंपनियां। यहां कांग्रेस दम तोड़ रही, वहां पाकिस्तान रो रहा, वो चाहता है शहजादा प्रधानमंत्री बने, बोले पीएम मोदी। इस महीने 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, मई में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगह पर 8 दिन कामकाज नहीं। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द, उत्तराखंड सरकार का आदेश, भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अजरबैजान के 5 नागरिक 2.4 करोड़ के सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था गलत, चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की मिली इजाजत। कर्नाटक में कैदी के पेट से निकला कीपैड मोबाइल, बोला पकड़े जाने के डर से निकला, दर्द होने पर 20 दिन बाद अस्पताल लाया गया। शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का हेलीकॉप्टर क्रैश, किसी के घायल होने की जानकारी नहीं, क्रैश की वजह साफ नहीं, जांच जारी। केदारनाथ में बर्फबारी, 10 मई से खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट, बर्फबारी से तैयारियां प्रभावित। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक बोला कोवैक्सीन सुरक्षित, ये अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं, बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला संदेश खाली केस में सीबीआई जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही, अगली सुनवाई 13 जून को। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस व अन्य की 205 करोड़ की संपत्ति कुर्क। भारत के चंद्रयान को कॉपी करने निकला पाकिस्तान, चीन संग लॉन्च किया मून मिशन मगर हो गया खेला। चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद गायब हो गई थी खुफिया दस्तेबाज, इजराइल ने किया था साझा, सुरक्षा विशेषज्ञ का दावा। शेयर मार्केट में कोहराम, सेंसेक्स निफ्टी ने लगाया गोता, रिलायंस लूट का। अरे शहजादे डरो मत भागो मत, बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। राहुल ने रायबरेली से पर्चा भरा, फिरोज गांधी जीते थे पहला चुनाव। हम भारत में एप्पल के प्रदर्शन से बहुत खुश, बोले एप्पल सीईओ टिम कुक। जंगली जानवर ने दवा वाले पौधे से खुद ही कर लिया अपना इलाज, दुनिया रह गई हैरान। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद बेंगलुरु में बरसे बादल, लेकिन कम नहीं हुई तापमान।
महाराष्ट्र सरकार के पुलिस को निर्देश, डीप फेक कंटेंट बनाने वाले नेटिजंस पर करे सख्त कार्रवाई। केजरीवाल को मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात। सावधान, चार धाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर, एसटीएफ ने बंद कराई 12 फर्जी वेबसाइट, अब तक 76 वेबसाइट ब्लॉक। नए तरह का एसएमएस स्कैम, मैसेज आएगा कि खाते में आए 10,000 रुपये, फिर बुरी तरह फंसा कर लूट लेते हैं पैसे। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस जिहादी वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है। अन्नदाताओं को पीएम किसान की 17वीं किस्त का इंतजार, जल्द मिलेंगे पैसे। बिहार के गोपालगंज में गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे सत्येंद्र बैठा, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़। मौसम विभाग का सुकून भरा नया अपडेट, लू की मार से मिलेगी राहत, नागालैंड मणिपुर मिजोरम में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। असम कांग्रेस की अपने विधायक को अयोग्य घोषित करने की मांग, पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने का आरोप। 14 करोड़ मील दूर से आई खुशखबरी, नासा को मिला खुफिया संदेश, मंगल ग्रह पर मानव मिशन में मिल सकती है मदद। केंद्र को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2G स्पेक्ट्रम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अस्वीकार की सरकार की याचिका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा केवल बयानबाजी आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मानी जाएगी। बिहार के सीमांचल में आग ने मचाया कोहराम, 3 जिलों में 750 से अधिक घर जलकर हुए राख। अब गर्मी दिखाएगी तेवर, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आसमान से बरसेगी आग, उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में भारी बारिश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग का नया प्रोटोकॉल जारी, ईवीएम के साथ 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी सिंबल स्टोर यूनिट। कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले पूरी तरह सुरक्षित, डरने की जरूरत नहीं, ICMR के पूर्व महानिदेशक ने बताई सच्चाई। GST कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। किसी को बचाने का सवाल ही नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अश्लील वीडियो केस में दिया आश्वासन। लोकतंत्र के महापर्व में नफरत और जहर की खेती कर रहा घमंडिया गठबंधन, खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार। धार्मिक आधार पर आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं, JP नड्डा ने अम्बेडकर को याद कर कांग्रेस को सुनाया। पुराना अधिनियम रद्द कर नया विस्फोटक कानून लाने की योजना बना रही सरकार, मसौदे पर मांगे सुझाव, जुर्माना राशि में होगी बढ़ोतरी। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी, सेना प्रमुख ने युद्ध में टेक्नोलॉजी की बताई जरूरत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पकड़ा गया आदमखोर बाघ, बना चुका था 6 लोगों को अपना शिकार। समय से पहले ही देश में होगी मानसून की एंट्री, दक्षिण एशिया के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद।